अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम UHS के पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो भैया बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स द कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा भैया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेरिक नंबर देखते हैं। अब स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो 4 का मीनिंग है 1s और 3p। अगर बेटा ये 3 आएगा तो 1s और 2p, और अगर ये 2 आएगा तो इसका मतलब है 1s और 1p। अब प्यारे बच्चों, ये ढूंढते कैसे हैं, स्टेरिक नंबर ढूंढते हैं हम बॉन्डेड एटम्स प्लस लोन पेयर से, ठीक है। तो अगर ये 4 आ जाएंगे तो ऑब्वियसली sp3 है, 3 आएगा तो sp2, 2 आएगा तो sp3। अब प्यारे बच्चों देखो, अब कार्बन के साथ यहां पे कोई एटम अटैच है, ये एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा भाई बच्चों, कार्बन के साथ कितने एटम अटैच है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अटैच है, तो टोटल आया 3। तो 3 का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी एल्डिहाइड कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। भैया बच्चों, साइनाइड में चलो मैं ना इधर R लिख लेता हूँ, ईजी हो जाएगा, RCN। अब यार बच्चों देखो, ये जो कार्बन है ये एक नाइट्रोजन से और दूसरा R से अटैच है, दो एटम से अटैच है, तो इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, तुम्हारा ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। भैया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखो कि जो कार्बन है ये कितने एटम से अटैच है, 1, 2, 3 से अटैच है, तो इसका मतलब क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइज। यार खो, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता, यहाँ पे प्यारे बच्चों एस्टर ग्रुप है, तो फिर देखो प्यारे बच्चों, कार्बन 1, 2, 3 एटम से अटैच है, 3 का मतलब क्या है sp2 हाइब्रिडाइज, तो हमने sp हाइब्रिडाइज ढूंढना था, तो हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द कंपाउंड कंटेनिंग RSH फंक्शनल ग्रुप नाउन है, आपको पता है प्यारे बच्चों, RSH को SH ग्रुप को कहते हैं थायो अल्कोहल ग्रुप, तो हमारी ऑप्शन होगी 4 ऑप्शन, थायो अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। तो C4H8 फार्मूले से प्यारे बच्चों कितना आइसोमर्स बन सकेंगे, देखो पहले तो बन जाएगी 1-butene, फिर प्यारे बच्चों हमारे पास बन जाएगी 2-butene, प्यारे बच्चों हमारे पास बन जाएगी 2-methylpropene, 2-methylpropene। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसे हमारे पास साइक्लो ब्यूटेन भी बन जाएगा इसी फॉर्मूला से, और प्यारे बच्चों हमारे पास मिथाइल साइक्लोप्रोपेन भी बन जाएगा, तो साइक्लोब्यूटेन भी बना और हमारे पास बना मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो कितने आइसोमर्स बने प्यारे बच्चों हमारे पास, हमारे पास आइसोमर्स बने 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा ऑप्शन होगा डेल्टा ऑप्शन। 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन आर कॉल्ड, फिर बच्चों आपको पता है इनको कंजुगेट बॉन्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर एसिडिक, आपको पता है प्यारे बच्चों कि अल्काइन में स्पेशली टर्मिनल अल्काइन के अंदर क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp हाइब्रिड जो कार्बन होती हैं वो स्लाइटली पोलर होती हैं, और स्लाइटली जो पोलर कार्बन है प्यारे बच्चों उसकी वजह से कार्बन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है, विच मेक हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर। तो प्यारे बच्चों हमारी ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन, अल्काइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कंसीडर द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, द अटैक ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल ऑन मीथेन
टू फॉर्म मिथाइल फ्री रेडिकल अकर्स इन। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, हमारे पास है मीथेन और इस पर अटैक किया क्लोरीन फ्री रेडिकल ने। अब क्या होता है, एक HCl से मिलकर बन जाएगा HCl। अच्छा देखो, H सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन यूज करके और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ उसने बॉन्ड बनाया है, तो मिथाइल के ऊपर देखो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया बॉन्ड में से, मिथाइल का जो इलेक्ट्रॉन शेयर था वो उसके ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ है, पहले फ्री रेडिकल था क्लोरीन के ऊपर, अब चला गया मिथाइल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों ये है प्रोपेगेशन स्टेप, तुम्हारा आंसर होगा 40 ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, द रेशियो ऑफ सिग्मा टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन इज। प्यारे बच्चों आपको पता है कि बेंजीन में 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन के साथ आपको पता है एक हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो टोटल प्यारे बच्चों सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए प्यारे बच्चों 12। अच्छा अब पाई बॉन्ड कितने हो गए, आपको पता है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, तो पाई बॉन्ड हमारे पास प्यारे बच्चों 3 है। अब प्यारे बच्चों सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों ऑब्वियसली हर बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 24 और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो 3 बॉन्ड है तो 3 × 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों 6, और अगर प्यारे बच्चों आप इसकी रेशियो निकाल लोगे तो ये आएगा 1:4, यानी 4:1 में हमारा आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों कौन सी ऑप्शन, और ये ऑप्शन आएगी बीटा ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा इसमें प्यारे बच्चों। व्हेन हैलोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन अल्काइल लाइट अ कार्बोकैटायन इज फॉर्मड, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन। अच्छा प्यारे बच्चों, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायन इस केस में क्या होता है, मिथाइल कार्बोकैटायन होता है प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है वो लेस रिएक्टिव होता है। क्यों लेस रिएक्टिव होता है बच्चों, देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट कर देते हैं मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपनसेट हो गई, तो ये क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, इसलिए ये क्या है, लेस रिएक्टिव है देन सेकेंडरी। अच्छा सेकेंडरी में प्यारे बच्चों कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज करने वाले अब 2 हैं, तो पहले में 3 थे, जिसने ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया वो लेस रिएक्टिव हो गया, इसमें 2 हैं स्टेबलाइज करने वाले, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव है लेकिन क्या है, टर्शियरी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा अब ये लेस रिएक्टिव होगा देन अच्छा मेरे बच्चों यहां पर इसको स्टेबलाइज करने वाला सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है। पे बच्चों क्या है कि ये स्टेबल हुआ, लेकिन यहां पे स्टेबलाइज करने वाले 2 या 3 मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी प्यारे बच्चों स्टेबलाइज करने वाला कोई भी नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसका मतलब है सबसे ज्यादा रिएक्टिव है।